हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आज आया हुआ हूँ गोहाना। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है माथुराम की जलेबी, और क्या रेट होने वाला है वो तो सभी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो ये गोहाना का फुहारा चौक है, और यहाँ पर ये बहुत सारी लाला माथुराम के नाम से बहुत सारी है दुकान है, और यहाँ पर जलेबी ज़्यादा फेमस है। तो चलिए मैं चलता हूँ इनमें से लाला माथुराम की दुकान पर, किस तरह से जलेबी बनती है सब कुछ आपको वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, और क्या रेट होने वाला है। तो चलिए मैं अंदर चलता हूँ और पता करता हूँ क्यों इतनी ज़्यादा फेमस है इनकी ये गोहाना के अंदर जलेबियाँ। तो अंदर एंट्री करते ही गुप्ता जी हैं, मनोज जी हमारे साथ। नमस्कार सर, पहले तो नमस्ते सर जी। तो कितना टाइम हो चुका सर आपके इधर ये शॉप को? सर इसको लगभग 20 साल 20 साल की करीब 20 साल तो काफ़ी पुरानी दुकान है सर। तो ये गोहाना के अंदर इतनी ज़्यादा फेमस है सर, ऐसा क्या खिलाते हो आप लोगों को, ये किस में बनती है पहले तो ये बताओ जलेबियाँ। सर ये आयुर्वेदिक आइटम है। अच्छा सर, इसमें सारा हमारे किचन का सामान मिलता है। अच्छा सर, इस जलेबी के अंदर बहुत ही मैदा हमारी। हाँ जी सर, मैदा है सर, बेसन है। हाँ जी सर, मैदा है, बेसन है, मिल्क है सर, दूध। हाँ जी सर, शुगर चीनी हमारी। हाँ जी, और जी हमारा देसी घी, देसी घी के लिए, और इसमें कुछ नहीं डलता जी, सारी आयुर्वेदिक आइटम, नो कलर कुछ भी नहीं सर। ओके, और एक हफ्ते अगर फ्रिज में नहीं रखोगे तो एक हफ्ता ख़राब भी नहीं होगी। तो और अगर एक हफ्ते में जलेबी ख़राब होती है हाँ जी, तो हम कस्टमर को या तो पैसे डबल देंगे या जलेबी एक एक डबल या तो सुनो दो डब्बे वापस देंगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया सर। तो आपकी ये जलेबियाँ देश में कहाँ कहाँ पर पहुँचती हैं सर? ऑल वर्ल्ड घूमती हैं। ऑल वर्ल्ड के अंदर आपकी जलेबियाँ घूमती हैं? ओके सर, बहुत बढ़िया सर। तो क्या रेट है सर आपकी जलेबी का? सर आज के डेट में ओनली 320 रुपये जी, 320 रुपये पर के जी। और 320 रुपये के अंदर आपको सारे शहर से अच्छा तो डब्बे में डाल के देंगे जी। ओके सर, पैकिंग अच्छी है? पैकिंग अच्छी है सर। नमस्कार, तो एक बार बताना सर आपकी ये जलेबियों के बारे में। ये सन 1905 से मशहूर है हमारे दादाजी। अच्छा सर, उनका नाम माथुराम भाई। ओके सर, तो पहले अंदर आपकी दुकान हुआ करती है या यहीं से आपने? अंदर छोटा भाई बैठा है। अच्छा सर, वहाँ छोटे भाई बैठे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर, डब्बे से अलग तो ये जलेबी बन के जी है। हाँ जी सर, और अच्छे से अच्छे थैले में डाल के देंगे जी। बहुत बढ़िया सर, डब्बे से थैले से अलग 1 किलो जलेबी जी। हाँ जी, 320 रुपये इनका प्राइस है, और एक हफ्ता ये खराब भी नहीं होंगे। बहुत पुरानी लाला जी है। हाँ जी सर, पहले ये दूसरे देना। हाँ जी सर, बड़े लड़के हैं उनके। सबसे पुरानी दुकान ही है ये सर। बहुत पुरानी दुकान है, और ये अपना चलना चाहिए। बढ़िया सर, क्वालिटी से है, वो बहुत बढ़िया प्योर क्वालिटी से। तो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जलेबियाँ कैसे बनती हैं। बताना ये बैटर कैसे तैयार करते हो सर आप? ये मैदा है ये। हाँ जी सर, पहले खमीर तैयार करते हैं। खमीर के अंदर? अच्छा सर, तो कितने टाइम पहले ये तैयार करना पड़ता है आपको? एक दिन पहले। तो ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से जलेबी का बैटर रेडी करते हैं एक दिन पहले, और ये अभी इन्होंने अपना प्रोसेस रेडी कर दिया जलेबी बनाने के लिए। तो ये जलेबियाँ तैयार होने लग रही हैं गोहाना के अंदर, लाला माथुराम की फेमस जलेबियाँ। तो एक जलेबी का कितना वेट होता है सर? 250 ग्राम पाइया की एक जलेबी सर। तो ये जलेबियाँ रेडी होने लग रही, कितना टाइम लगेगा सर इनको? 10 मिनट के अंदर ये जलेबियाँ रेडी हो जाएंगी। इनका कलर अभी चेंज होने लग रहा है। ओके, कोई कलर नहीं होता। तो अभी ये रेडी होकर ये चाशनी के अंदर, तो ये चाशनी के अंदर अभी ये डाल रहे हैं सर। एक दिन पहले इसका ये बैटर रेडी किया जाता है जी, तो उससे अगले दिन तैयार होता है जी। इसमें कोई कलर, कोई मसाला कुछ नहीं डालता। और 10 से 15 मिनट के बाद में ये जलेबियाँ ऐसी बिल्कुल करारी हो चुकी हैं। तो अभी ये यहाँ से रेडी होकर चाशनी के अंदर डलने लग रही हैं जलेबियाँ। तो ये बहुत सारी जलेबी यहाँ पर
एक दिन में कितनी जलेबी बना देते हो सर, कितने किलो बनती है? चार क्विंटल। पंद्रह मिनट के बाद मैं जलेबियों का रंग बिल्कुल ये करारी हो चुकी हैं। अब इनको यहाँ से उठाकर चाशनी के अंदर डालेंगे सर। थाना के अंदर सबसे पुरानी दुकान है ये लाला माथुराम मनोज कुमार गुप्ता। तो यहाँ पर एक दिन में कम से कम 4-5 क्विंटल जलेबियाँ तैयार होती हैं हर रोज़, और काफ़ी भीड़ रहती है। तो जलेबी इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये ऑल वर्ल्ड में इनकी जलेबियाँ डिलीवर होती हैं, और स्वाद इनका लाजवाब है। तो अभी मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ वीडियो में कैसे यहाँ पर जलेबियाँ बनती हैं। तो जलेबी का रंग बिल्कुल रेड कलर हो चुका है, और ये अभी यहाँ से उठाकर सर इनको चाशनी के अंदर डालेंगे, तब ये उसके बाद में फाइनल रेडी होती है। सर ये इनको यहाँ पर ये चाशनी के अंदर डालने लग रहे हैं। ये जलेबी तैयार हो चुकी हैं, तो अभी मैं चेक करूँगा कैसा इनका स्वाद है। यहाँ पर ये इनका काउंटर है, काफ़ी ज़्यादा बुकिंग यहाँ पर डिमांड रहती है, तो अभी ये पैक होने लग रही है ऑर्डर पर। तो मैं यहीं से अपने लिए जलेबी लेने वाला हूँ। मैंने अभी लिए, मैं इसको चेक करता हूँ खाकर कैसा इनका स्वाद है। तो ये जलेबी का एक बाइट मैं खाकर आपको बताता हूँ कैसा स्वाद है। तो वाकई में गोहाना के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है लाला माथुराम, ये जो फेमस जलेबियाँ। तो कभी भी आप गोहाना के अंदर आएँ तो गोहाना में लाला माथुराम मनोज गुप्ता की दुकान पर जरूर आएँ, और बाकी औरों से इनका स्वाद अलग है, और ये जेन्युइन अच्छी क्वालिटी यहाँ पर बनाते हैं, और शुद्ध देसी घी के अंदर ये जलेबियाँ बनती हैं, और स्वाद मेरे को तो इनका बहुत ही लाजवाब लगा। अगर आपने भी पहले कभी खाई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा इनका स्वाद है। तो यहाँ पर ये ओम के पकौड़े भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो वो भी मैंने अभी दिए हैं, तो मैं वो चेक करता हूँ। और ये पनीर का पकौड़ा है, तो ये यहाँ पर मिक्स मैंने पकौड़े दिए हैं अपने लिए, तो मैं अभी ये देख करके चेक करता हूँ कैसा इनका स्वाद है। तो एक बाइट मैं ले लेता हूँ पहले। और पकौड़े का जो टेस्ट है बहुत बढ़िया मेरे को लगा। तो वाकई में ही मेरे को ये जो पकौड़े मैंने खाए हैं इनका जो हर चीज़ का टेस्ट है अल्टीमेट है। यहाँ पर जलेबी तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और साथ में ये पकौड़े, और इसी के साथ में ये यहाँ पर मिठाई भी तैयार करते हैं बर्फी लड्डू, हर आइटम इनका टेस्ट के अंदर मेरे को बहुत लाजवाब लगा। तो अभी मैंने यहाँ पर जो जलेबी और पकौड़े इनका टेस्ट मैंने चेक कर लिया खाकर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्वाद लगा मेरे को। तो चलिए मैं अपने लिए यहाँ से 1 किलो जलेबी और पैक करवा लेता हूँ। क्या रेट है जलेबी का? 320 रुपये। 320 रुपये। कितने टाइम से हो सर आप यहाँ पर? कई साल से। काफ़ी साल से हो, तो मेरे लिए 1 किलो जलेबी पैक कर दो सर। ये मेरा जो ऑर्डर है मैंने 1 किलो यहाँ से अपने लिए लिए पैक करवाई है, तो ये मेरा पैकिंग हो चुकी है। तो मेरे को ऑल ओवर इनका स्टाफ और इनका जो स्वाद है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और अगर वीडियो आपको यह मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं और एक नए व्लॉग के साथ। जय हिंद दोस्तों।